हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बालों को झड़ने से रोकने का एक घरेलू उपाय। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल या बालों को झड़ना एक ब्यूटी प्रॉब्लम है जो लोगों की चिंता बढ़ा देता है। प्यार और जतन से बढ़ाए गए बाल जब टूटने या झड़ने लगते हैं तो लोगों को काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। हेयर फॉल को रोकने के लिए जहाँ अलग अलग तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट बाजार में उपलब्ध हैं, वहीं कई लोग बालों को नुकसान पहुंचने के डर से इनका इस्तेमाल करने से बचते हैं। ऐसे लोगों को नेचुरली बालों को झड़ने से रोकने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की मदद लेने की सलाह दी जाती है। तो इसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक ऐसा घरेलू उपाय जिससे आपके न केवल बाल झड़ने से रोकेंगे बल्कि जो झड़े हुए बाल हैं वो भी दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपने बालों को मुलायम और चमकदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है सबसे पहले चावल। अब देखिए, चावल में इनोसिटॉल मौजूद होता है जो बालों को धूप के प्रभाव से बचाता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल मौजूद होते हैं जो बालों को स्वस्थ रखते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप चावल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर कोई भी चावल ले सकते हैं। तो जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता हो वो आप ले लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से दो बार पानी से वॉश कर लेंगे। और यहाँ मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे आधे कप पानी में भीगने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये चावल थोड़ा सा फूल जाएंगे। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, चावल भी अच्छी तरह से फूल गए हैं, ये देखिए। अभी मैं इसे आपको हाथों से तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको हाथ में चावल लेना है और उंगलियों की हेल्प से आप इसे इस तरीके से तोड़ के देखिए, ये अच्छी तरह से टूट रहा है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम ये चावल डाल देंगे। चावल में थोड़ा सा पानी भी आप रहने दीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जिससे कि चावल अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो इसे एक बार मिक्स कर देना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे जब तक इसका माड़ निकल ना आए। यहाँ पे हमें चावल का माड़ चाहिए। और ये देखें, यहाँ पे माड़ निकलना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसे ढक के और थोड़ी देर पका लेंगे। और यहाँ पे आपको दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है एलोवेरा। ये तो सभी के घर में लगभग मौजूद ही होता है। एलोवेरा में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे स्कैल्प को ठंडक पहुँचाते हैं। इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं जो कि स्कैल्प के डेड सेल्स को रिपेयर करते हैं और साथ ही हेयर ग्रोथ भी होती है। एलोवेरा बालों को और स्कैल्प को स्मूथ कर देता है, यानी एलोवेरा से बाल मुलायम और शाइनिंग यानी चमकदार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है एक छोटी सी पत्ती एलोवेरा की। एलोवेरा को आप कट करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और इसकी जो साइड में जो कांटे की तरह निकले होते हैं हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे नाइफ से आप कट कर लेना। और इसको कट करने के बाद हम इसके ऊपर के जो छिलका होता है उसे भी कट कर लेंगे। ऊपर के छिलके को साइड में रख देंगे और साथ ही हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें हम इसके ऊपर का जेल जो है उसे हम कट करके ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। और जार में डालने के बाद हम जार को साइड में रख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, इसका सारा माल निकल गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जिस जार में मैंने एलोवेरा के जेल को डाला था उसी में हम उबले हुए चावल डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसमें खुशबू के लिए डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें जोजोबा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें। अब हम इस जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। और आप देख सकते हैं ये देखने में मार्केट जैसा कंडीशनर जैसा लग रहा है। कोई भी देखने के बाद बता नहीं पाएगा कि इसे आपने घर में बनाया है, वो भी इतने कम सामान और इतनी आसानी से। और यहाँ पे आपका कंडीशनर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसे ढेर सारा बना के मत रखिएगा, सिर्फ दो दिन के इस्तेमाल के लिए आप इसे बनाइए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारा कंडीशनर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी इसे आपको लगाना कैसे है।
तो यहाँ पे आपको बालों को शैम्पू कर लेना है, यानी शैम्पू से आपको बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आप इस कंडीशनर को थोड़ा सा अपने बालों पे लगा लीजिए, और लगाने के बाद आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए बालों में रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिएगा पानी से, और उसके बाद जब आपके बाल सूखेंगे तो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल इतने शाइनी कैसे हो गए। तो है ना एकदम आसान तरीका बालों को शाइनी बनाने का। इससे ना केवल आपके बाल शाइन होंगे बल्कि आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो एक बार आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।